आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतस की यात्रा पर चलें। हम मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चलें। मेडिटेशन एकमात्र मेडिसिन है तमाम मानसिक रोगों के लिए, मनस्थल को स्वस्थ करने के लिए। मेडिटेशन रूपी मेडिसिन का उपयोग बहुत जरूरी है आज की इस जिंदगी में, उसी और चलें। अंतस की यात्रा पर, जीवन यात्रा पर चलें। हम अपनी भीतर की आँख, अपनी शिवनेत्र, अपनी थर्ड आई को अवसर दवाएं जगबगाने का। मेडिटेशन इज फुली रिलेटेड टू थर्ड आई। बाहर की दोनों पलकें मुंदते ही आप भीतर की ओर स्वयं ही देखने लगते हैं। आपका मिलन सबसे पहला है, सर्वप्रथम अंधेरों से ही होता है। इन अंधेरों को लगातार जागे जागे देखते रहना। आप देख ही रहे हो, इस देखने के प्रोसेस को एक्सपैंड करते चले जाना। मेडिटेशन में कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। हम सबके पास बराबर थर्ड आई है, हम सबके पास शिव नेत्र है, भीतर का नेत्र है। अपने भीतर को देखने के लिए हम सबको बराबर अधिकार है, बराबर हक है, बराबर क्षमता है। हर एक छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबको अपनी यात्रा पर, जीवन यात्रा पर उतरने का बराबर अधिकार है। अपनी थर्ड आई को इस्तेमाल करना, इसकी उपयोगिता में उतर जाना हम सब का वास्तविक धर्म है। बाहर की दोनों आँखों से हम बाहर के जगत को देखते हैं। अपने को देखने के लिए हम सब के पास उस मालिक ने, उस परम पितु ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। इसका उपयोग कैसे करना है, इस दिशा की ओर कैसे उतरना है, इस जीवन की यात्रा पर हमें किस तरह से उतरना है, ये हमें मालूम हो जाए तो हम हर एक हालात में, हर एक सरकमस्टांसिस में, हर एक प्रकार की स्थितियों में अपनी विल पावर को कभी कमज़ोर नहीं पाएंगे। हम फुली कॉम्पिटेंट होंगे हर हालात के मालिक होकर के जीने में। यही एकमात्र विशेषता है हमारी थर्ड आई में, कि हमको पूरा इनर स्ट्रेंथ प्रदान करती है। हमारी तमाम ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज को डेवलप करने में तनिक मात्र भी कभी नहीं छोड़ती। मेडिटेशन है भीतर की आंख। मेडिटेशन इज नॉट ए प्रैक्टिस, इट्स ए प्रोसेस। बाहर से भीतर की ओर चलना है, बाहर से भीतर की ओर अपनी अवेयरनेस को, अपने जागरण को, अपनी होश को, अपनी सुरती को जगमगाती चलना। सीधे स्वस्थ, बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के हम अपनी ओर बहती चलें। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही हमारी 80% एनर्जी जो बाहर की ओर बहती है वो भीतर की ओर बहने लगती है। वो स्वतः ही हमें देखने की सक्षमता प्रदान करती है। आप लगातार देखते चले जाना, भीतर के साक्षी दृष्टा होकर के थोड़ी देर के लिए आकर्ता होकर के देखना। अपने माइंड की गति को, माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को माइंड से हट करके देखना। मेडिटेशन के प्रोसेस में माइंड को फोकस नहीं किया जाता, कहीं भी मन को लगाया नहीं जाता,
और आज तक किसी का लगा भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर वो अपनी ही चाल चलने लगता है। मेडिटेशन में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमें कुछ करना नहीं, हमें केवल नॉन डूअर होकर के, अकर्ता होकर के, दृष्टा होकर के देखते रहना है जो जो भी हमारे भीतर हमारे समक्ष हो रहा है। हमने केवल देखना है, माइंड को माइंड से हट करके देखना, विचारों को विचारों से हट करके देखना, भीतर की हर गति को जागे जागे देखना, केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना, मन की गति में कहीं दखल नहीं देना, केवल देखते चले जाना। अपनी थर्ड आई को, अपनी देखने की क्षमता को, अपनी देखने की पोटेंशियल को अवसर देना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना। अनेकों बार अंधेरों में खो जाओगी, अनेकों बार विचारों में खो जाओगी, अनेकों बार तो माइंड की गतिविधियों में लॉस्ट हो जाओगी, अनेकों बार तुम पास्ट और फ्यूचर में चले जाओगी, अनेकों बार तुम इसी आदत में माइंड के साथ साथ बीते हुए कल में, अधिकतर बीते हुए कल में चले जाओगे। बीते हुए कल की यादें, स्मृतियां, आने वाले कल की कल्पनाएं, तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की इमेजिनेशंस, आप उसमें खो जाते हो। आदतवश होता है, क्योंकि हम बहुत देर से ही नहीं बल्कि जन्म से ही, जैसे हमारी आंख बाहर की ओर खुली, हम स्वयं बाहर ही बाहर, बाहर के ही जगत में रह गए और भीतर से हम दूर होते चले गए। ये दूरी अपने आप से, ये दूरी अपने सेंट्रल पॉइंट से, ये दूरी अपनी आत्मा से, ये दूरी अपने अस्तित्व से थोड़ी कम होती चली जाए, तो जीवन का आनंद, जीवन का सुख, जीवन की शांति, जीवन की बेप्रवाही का जगमगाता हुआ आलम हाथ लगने में तनिक मात्र देर नहीं लगती। हर एक ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती चली जाती हैं जब आप देखने की होश, देखने की प्यास, देखने की प्रायोरिटी, प्राथमिकता पर होते हो। एकमात्र देखना, अपने आप को देखना, अपने आप से देखना, लगातार देखते चले जाना। जो जो भी आपके समक्ष हो रहा है उसी को देखना, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। जो जो भी घटित हो रहा है, जो जो उतर रहा है, भले अंधेरा हो, बहुत देर तक कोई भी विचार खड़ा रहे, आप प्रवाह ना करना, आप उसको देखते रहना, उसमें इंडल्ज नहीं होना, उससे हट करके उसको देखना। अपना स्वभाव, अपनी सुरति बनाए रखना। ओंकार आमीन ईमन। जिंदगी का सफर करने वाली ओ इंसान, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का, अपने मन का दिया तो जला ले।
तूने लाखों दिए बाहर जलाए, तूने लाखों दिए बाहर जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है, अंतस का आत्मा का दिया तो बुझा है, अपने भीतर का अपने अंतस का दिया तो बुझा है, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, अपने मन का अपने मन का दिया तो जला ली, भीतर का दिया तो जला ली, अपने अंतस का दिया तो जला ली, भीतर का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, इस मेडिटेशन मेडिटेट मोर एंड मोर एंड लीड ए हैप्पी हेल्दी लाइफ ऑन दिस अर्थ। क्वेश्चन जीवन का है, हम अपनी जिंदगी को सुखद स्वस्थ आनंदमय कैसे बनाएं, हम अपनी जिंदगी को बहारों में लहलहाती बहारों में आनंदमय लहरियों में कैसे लीड कर रहे हैं? आज के समय का सवाल है यह, आज की जिंदगी के सामने ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, उसका जवाब है एकमात्र इन शब्दों में, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली, बाहर की जगमगाती दिए, बाहर के जगमगाते बालों, बाहर की जगमगाती चकाचौंध से ओतप्रोत ये लाइट, ये प्रकाश भीतर के अंधेरों को दूर करने में सक्षम नहीं है, ये भीतर काम नहीं आता, भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए, भीतर के अंधेरों से छुटकारा पाने के लिए, भीतर के अंधकार को विदा करने के लिए, भीतर की तमाम नेगेटिविटी से स्वतंत्र होने के लिए, भीतर के अंधेरों को, भीतर की अमावस को कम करने के लिए, विदा करने के लिए हमें भीतर का दिया चाहिए। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न में उतरी हुई प्यास को बुझाने के लिए हमें स्वप्न का ही पानी चाहिए, और जागृत में प्यास लगती है तो जागृत का पानी चाहिए, ठीक इसी तरह बाहर के जगत में
ये बाहर की रोशनी, बाहर के बल्ब, बाहर की चकाचौंध बहुत गजब की है, बहुत उपयोगी है, उपयुक्ता है, जरूरी है। बाहर के अंधेरे दूर करने के लिए जैसे हम बाहर की तमाम जगमगाती चकाचौंध को, जगमगाती दियों को बहुत महत्व देता है, ठीक उसी तरह थोड़ा महत्व अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने में भी देना, थोड़ा भीतर का दिया जगमगाने में भी देना। भीतर का दीप जन्म के पश्चात बुझता ही चला गया, जो जो हम बाहर की ओर चलते गए, जो जो माइंड निर्मित होता गया, जो जो मन का निर्माण होता गया, जो जो मन की अवस्था बढ़ती चली गई, त्यों त्यों हम भीतर अंधेरों से भरते चले गए। बाहर हम पूरी तरह जगमगाते चले गए, परंतु भीतर से कट ऑफ होते चले गए। हम भीतर अंधेरों से भरते चले गए, हमने अपने भीतर का ख्याल ही नहीं किया। अपने भीतर बैठे प्रभु, अपने हृदय में विराजमान अपने मालिक को तनिक मात्र भी आंख नहीं दिया, नजर नहीं दिया, उसको देखने की प्यास, दर्द दीवानगी का आलम नहीं कभी जगाया। हमने अपने भीतर के अंधेरों को, मन के अंधेरों को दूर करने के लिए कोई दीप नहीं जलाया। बाहर की भागदौड़, बाहर की आपाधापी में हम अपना आप भूल गए, अपना भीतर भूल गए। बाहर की दौड़ में हम थोड़ा भीतर टिकना भूल गए। हम अपने भीतर नेगेटिविटी पिरोते चले गए और पॉजिटिविटी को तिलांजलि देते चले गए। हमने कभी सोचा ना, विचारा ना कि कितना एक इम्बैलेंस, असंतुलन पैदा हो रहा है। हमने कभी मुड़ के देखा ना कि जितने भी हम बाहर की उपलब्धियों में, प्राप्तियों में हम दिन रात लगे हैं, उसके फल स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्टेंटली जो जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, हमें उसको भी तो काटना चाहिए, हमें उसको भी तो विदा करने की कोई ना कोई दिशा खोजनी चाहिए। ये डिस्कवरी एक सुपर साइंस कहलाती है, जो बहुत जरूरी है। बाहर की आपाधापी दौड़ धूप में, बाहर की तमाम प्राप्तियों उपलब्धियों के फल स्वरूप जो जो नेगेटिविटी पैदा हुई, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक, एंग्जायटी, ये तमाम प्रकार की इम्बैलेंस अवस्था जो हमारे हाथ लगी आज के समाज में, इसको दूर करने के लिए हमने बाहर का सहारा लिया। भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए हम बाहर का सहारा ले रहे हैं। बाहर के अंधेरों को दूर करने के लिए बाहर के विज्ञान का सहारा लेना, बाहर के ज्ञान का सहारा लेना तो जस्टिफिएबल है, जस्टिफाई है, जस्टिफिकेशन रखता है, न्यायोचित है। परंतु भीतर के अंधेरों को, भीतर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बाहर की दिशाओं पर निर्भर करना, बाहर के साधनों पर निर्भर करना, ये कितनी मूर्खता और मूढ़ता है। आज तक ऐसा संभावना कभी किसी द्वार पर घटित नहीं हुई कि तुम बाहर के तमाम साधनों से, बाहर की तमाम प्रकार की दिशाओं से, बाहर की उपलब्धियों से तुम भीतर का अंधेरा दूर कर लो। ये कभी नहीं हुआ, चारों युगों में नहीं हुआ। भीतर की इन तमाम नेगेटिविटीज को, तमाम प्रकार के मनोरोगों को, मनस्थल की अस्वस्थता को दूर करने के लिए हमें भीतर ही दवा खोजना होगा, अपने भीतर ही दिशा खोजना होगा, अपने भीतर ही सहारा लेना होगा, अपने भीतर के साधन को जगाना होगा। और वो साधन है एकमात्र साधना, अंतस ध्यान, मेडिटेशन, यही एकमात्र भीतर की ज्योत है। अपने भीतर शिव नेत्रों में जगमगाता हुआ, लहलहाता हुआ महासूर्य हमें डिस्कवर कर लेना है, जो ऑलरेडी सदा विराजमान है। माइंड ने जिसको ढांक लिया है, विचारों की भीड़ ने जिसको दबा लिया है, भीतर के अंधेरों ने छिपा लिया है, उसको उजागर कर लेना है, उसको उघाड़ लेना है, उसकी ओर जागना है, उसको थोड़ा सा अवसर देना है जगमगाने का, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान उतारना है। ये तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारी के लक्षण, तमाम प्रकार की नेगेटिविटीज को काटने के लिए
थोड़ा सा ध्यान बाहर से हटा के भीतर की ओर मोड़ लेना है। जो ध्यान 24 घंटे बाहर बहता है थोड़ा सा बचा करके अपनी ओर उड़े लेना है। अपने पे कृपा, अपने पे करुणा, अपने पे रहमत कमा लेना है। अपनी अमावस को प्रकाशमय पूर्णिमा में रूपांतरित करने के लिए अपने अमावस भरे आकाश में भी कोई छोटा सा सितारा टिमटिमाने के लिए अपनी ओर मुड़ जाना, अपनी ओर जागना, अपनी सुरती संभालना, अपने आप में जगमगाना, ये तेरा बहुत ऊंचा एडवेंचर है। यही तेरे पास एकमात्र तरीका है, मेथड है अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने का। और जिन्होंने अपने मन को जाना, मन को पहचाना, मन से थोड़ी दूरी रखा, डिस्टेंस डेवलप किया, थोड़ा सा माइंड से हटकर के माइंड को जानने की ये एकमात्र प्यास जगाया, वो इंसान बहुत शीघ्र हार्दिक होता गया, वो इंसान बहुत शीघ्र थॉटलेसनेस की स्टेट में उतरता चला गया, वो इंसान स्वयं अपने भीतर का मास्टर होता चला गया, वो जगमगाने लगा भीतर, वो एनलाइटेड होने लगा भीतर, वो अपने भीतर के अंधेरों को, भीतर की नेगेटिविटी को काटने की कटार अपनी सुरती, अपना ध्यान, अपना जागरण पिरोने लगा। वो अपनी प्यास, अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने की जो जो जगमगाने लगा, त्यों त्यों बाहर भीतर किसी प्रकार की कमी ना रही, त्यों त्यों वो स्वयं स्वस्थ होने लगा, सुखद होने लगा, आनंदित होने लगा, तरोताजा होने लगा, पुलकित, आनंदित, मुदित होने लगा। पहली बार जाना उसने, आश्चर्यों का आश्चर्य है कि अपने भीतर था बाहर नहीं, तमाम एनर्जी का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत भीतर, विल पावर भीतर, पीस ऑफ माइंड भीतर, बैलेंस, ब्लेस, ईज, इक्वानिमिटी, हार्मनी, रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, टोटल रिलैक्सेशन, ये भीतर से मिलता है, बाहर से नहीं। ये संपदा भीतर की है और भीतर उतरते ही मिलती है, भीतर की ओर जागते ही मिलती है। मेडिटेशन है एकमात्र इन तमाम क्वालिटीज को डेवलप करने की मेडिसिन, इन तमाम क्वालिटीज को एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की एकमात्र केमिकल, रसायन है, ये प्रोसेस है। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर भी देखना, बाहर देखने की क्षमता इतनी भरपूर, इतना देखते इतना देखते अननेसेसरी देखते हैं, बाहर ही बाहर देखते रहते हैं, बाहर की नज़रों में ही सारे 24 घंटे चला जाता है। अपने भीतर की आँख तो इग्नोर ही रहती है, अपने भीतर की आँख में तो कभी हम उतरते ही नहीं, बाहर की आँख में रहते रहते हम एक दिन मौत के हवाले हो जाते हैं। और भीतर की आँख जो हमारा स्रोत है देखने का बाहर, हमने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, हमने कभी उस परमात्मा के दिए हुए वरदान को एक्सप्लोर नहीं किया, कभी उस वरदान को जगमगाने का साहस, हिम्मत, अवसर प्रदान नहीं किया। यही कारण है कि हम सब कुछ रखते हुए भी अशांत हैं, हम सब कुछ रखते हुए, सब सुविधाएं रखते हुए, सब साधन रखते हुए भी सुखी नहीं हैं। आज कदम कदम पे मन की अस्वस्थता ने, मनस्थल ने इतनी अस्वस्थता को पकड़ लिया है कि कोई भी तुम्हारे संसार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई आवाज लगा दे स्वास्थ्य की, हेल्थ की, स्वास्थ्य हीलिंग टच की, सेहत की, स्वास्थ्य की थोड़ी सी आवाज लगा दे, तो वहां हजारों लोग खड़ा हो जाता है, हजारों लोग इकट्ठा हो जाता है स्वास्थ्य के लिए। उन्हें मालूम नहीं स्वास्थ्य बाहर से नहीं मिलता, कदाचित नहीं, फिजिकल हेल्थ मिल सकती है, मेंटल हेल्थ नहीं मिल सकती। मेंटल तल स्वस्थ होगा जिसका, उसका शारीरिक तल अपने आप स्वस्थ होता चला जाता है। शरीर के तल पर आए हुए प्रारब्धवश जो जो भी कर्म फल भोग हैं, वह कितने भी नेगेटिव हो, कितने दुखदाई हो, वो सहनीय हो जाते हैं, अगर तेरे पास विल पावर है, अगर तेरे पास मनस्थल स्वस्थ है,
तो प्रारब्ध में उतरे हुए तमाम कर्मों के फल भोग भी कमजोर पड़ जाते हैं, अर्थात सहनीय हो जाते हैं। इतनी बड़ी पावर का मालिक होता है जब तू मनस्थल स्वस्थ रखता है। और मनस्थल स्वस्थ रखने के लिए बाहर का साधन नहीं चाहिए, भीतर की जगमगाती एकमात्र सुरती चाहिए, जागरण चाहिए, होश चाहिए, अपने को देखने का, जानने का, अपने आप में थोड़ी देर जगमगाने का, अपने माइंड से हट करके थोड़ा माइंड से स्वतंत्र होकर के जीने का, ये एक दर्द चाहिए अपनी नेगेटिविटी को काटने के लिए। आज के समाज में, आज के जीवन में, आज की इस धरती पर एकमात्र सवाल है, जीवन सुखद कैसे जिया जाए। कोई किसी प्रकार की कथा कहानी से नहीं मिलेगा, कोई किसी प्रकार के पठन पाठन से नहीं मिलेगा, इस सवाल का जवाब तुझे अपने भीतर से मिलेगा। जो जो तू बाहर की दोनों आंखों से थोड़ा हट करके अपने भीतर की आंख में समाहित होता चला जाता है, अपने भीतर की आंख को डिवॉल्व करने में, डिस्कवर करने में, इसको जगमगाने में थोड़ी सी प्यास दर दीवानगी पिरोता चला जाता है। और जागे पुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, दीवानों की संगति में बैठ करके, भीतर के रिंदों पियक्कड़ों दीवानों की महफिल में बैठ करके, ये तुझे थोड़ी सी प्यास, थोड़ा सा दर्द अपने को जानने का जब हाथ लगता है तो तेरी यात्रा शुरू हो गई, तेरी जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई, उसका उद्घाटन हो गया, वो इनोग्रेट हो गई। ये भीतर की यात्रा, ये भीतर का प्रोसेस, ये एकमात्र अंतस की यात्रा, महान महातीर्थ यात्रा है। और जो तेरे अपने हाथ में है इस महान यात्रा पर उतरना, जहां भी हो तुम वहीं से उतर सकते हो, जहां भी रहते हो वहीं से तुम अपने भीतर की ओर थोड़ी अपने भीतर की आंख को महत्व देते ही, थोड़ा उसको अवसर देते ही जगमगाने का, ये जीवन मृत्यु से पहले पहले तुम्हारे हाथ लगने लगता है। और जब ये हाथ लगता है तो तू सदा सदा के लिए अपने स्वास्थ्य में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में जीता है। आपकी एनर्जी ऊर्जा में कोई कमी नहीं रहता। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ली, बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ली। अपने मन का, अपने मन का दिया तो जला ली, जिंदगी का सफर करने वाली। अपने मन का दिया तो जला ली।